बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो और हमार। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। भगवान के भरोसे मत बैठे, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। प्यार में बहुत बल है बबुआ, तो खातिर गिपट लाए हैं। एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनाया था। इतना सा भगवान के भरोसे मत बैठे, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। जब तक टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूँ मैं रुबिका लियाकत। इस वक्त एक राई के नीचे खड़ी हूँ। राई इसलिए क्योंकि कहावत है ना कि साहब ने राई का पहाड़ बना दिया। एक साहब है दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को राई बना दिया। लोग कहता हम पागल है, जिंदगी खराब कर रहा है। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं, एक तो उनकी पुण्यतिथि है अगस्त, और 21 अगस्त को वो पुनर्जीवित हो रहे हैं 70 mm की स्क्रीन पर। और शुक्रिया कहने के लिए क्योंकि उन्हें फिर जीवित किया है, यहाँ 4 लोग मौजूद हैं। हमारे साथ केतन मेहता साहब है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, राधिका आप्ते हैं, और हमारे साथ साही मैडम है। माया आपको याद होगा, प्रोड्यूसर है फिल्म की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हैरान हूँ सर, मैं यहाँ चढ़ रही थी, मेरी सांसें फूल रही थी। एक शख्स इतनी शिद्दत से 22 साल तक 2 औजार के साथ पहाड़ तोड़ देता है। क्या नवाज ने 3 घंटे की मूवी, मेरे ख्याल से 2 घंटे की उतनी ही शिद्दत से जिया है उन 2 औजारों के साथ? बिल्कुल, मतलब 40 डेज का शूट किया था हमने, और मतलब इंस्पायर ये चीज करती थी जब एक इंसान 22 साल तक इस तरीके से पहाड़ तोड़ सकती, इतनी मेहनत करके इतनी जुनून के साथ, तो क्या वो जुनून जो है 1.5 महीने तक हम नहीं ला सकते अपने? तो ये एक मोटिवेशन था काम करने का यहाँ पे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर ये फिल्म बच्चा है तो माँ आप हैं। एक माँ का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए, केतन मेहता और दशरथ मांझी सिमिलैरिटी क्या है? मैं बताऊं? पागलों में महापागल, पागल बड़बकों में महाबड़बक। मैं आपने हंसी में एक बड़ी बात कह दी। आप कुछ भी नया करने जाते, मेरे ख्याल से आपने अगर कुछ नया किया होगा, आपने, केतन साहब आपने, मैम आपने, कोई कहता पागल है ये, बेवकूफ है, ये ऐसे ही कर रहा है, आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पागलपन ही होता है जो आपको कहीं से कहीं तक ले जाता है। जुनून तो चाहिए हर चीज, किसी भी चीज के लिए। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है। वैसे तो इस फिल्म को यहाँ आने के बाद, इस पहाड़ को देखने के बाद लगा कि इस फिल्म पे फिल्म बननी ही चाहिए, पर देखा जाए तो 25 साल से मैं भी एक पहाड़ तोड़ ही रहा हूँ। एक दीवार जो आपने कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच में बनाई हुई है, उसको तोड़ते तोड़ते जिंदगी जा रही है। पर ये ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है, ये सब तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा लगा दिल से। केतन साहब, जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। इनफैक्ट दुख तो मुझे तब से हो रहा है जब से फिल्म के लीक होने की खबर मिली है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, और पहली बार ऐसा लगा था ये कमर्शियल वाला जो आपका कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। फिल्म बरसों तक लोगों को याद रहती है, लेकिन टिकट घर पे आपको याद नहीं करते। इस बार मुझे लगा था चांस है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है छीन लिया कुछ लोगों? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ये पहाड़ टूट के रहेगा, और हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करके और अब फिल्म रिलीज होगी और बहुत लोगों तक पहुँचेगी। ये पूरी उम्मीद है और पूरी प्रार्थना है हमारी। राधिका, आपको क्या लगता है फिल्म वाकई कमाल करने वाली है? भाई आप तो उसमें हैं, आप ये बात कहेंगी। वो जो नर्वसनेस अक्सर होती है, और ये सवाल मुझे न जाने कितनी मर्तबा मैं कहती हूँ कि नहीं पूछूंगी, लेकिन पूछना पड़ जाता है। एक्चुअली मुझे नर्वस नहीं फील हो रहा है, क्योंकि हम पिछले 2 हफ्तों से ट्रैवल कर रहे हैं और हर सिटी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है सब लोगों से, तो इतनी पॉजिटिविटी अराउंड है, तो वो नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सच्चाई से फिल्म बनाई है, बहुत जुनून के साथ फिल्म बनाई है, तो
तो हम पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, एक सच्ची बात तो ये है नवाज साहब कि डायरेक्टर उस लोकेशन पर आपको दोबारा लेकर नहीं जाता, एक बार मूवी खत्म हो जाती है। ये अजीब पागलपन है। हाँ, ये अजीब पागलपन है कि वापस आपको यहाँ लाए। आपको ये नहीं लगा कि साहब अब तो माफ कर दो, अब नहीं जाना? नहीं नहीं, अब मुझे लगता है कि एक ये बहुत सारी फिल्मों में होता है ऐसा, लेकिन ये एक फिल्म ऐसी है जो कि हमारे लिए फिल्म नहीं है। ये एक हम चाह रहे हैं कि इस इंसान की जो जद्दोजहद है, जो इन्होंने जो इंस्पायरिंग काम किया, वो फिल्म से, इस फिल्म के थ्रू लोगों तक पहुंचे, ताकि पूरे कंट्री को इंस्पायर कर सके इनका जो काम है। और जैसे आप बता रही थी कि लीक हो गई, आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ा जो पर्दा होता है ना, उस पर वो टेक्सचर, वो डेप्थ आप लैपटॉप पे देख के, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है लैपटॉप पे देख के, आपको पता चलता है कि स्टोरी के बारे में ये, लेकिन जो फील है, इमोशंस हैं और जो ये डेप्थ है, जो ये सारी चीज़ें उस पर नहीं पता चलेंगी, छोटे से पर्दे पे नहीं पता चलेंगी। अगर जिसको एक्सपीरियंस करना है, रोना है, हंसना है, आई थिंक वो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, वो वापस से दोबारा आए और फिल्म को एंजॉय। केतन साहब कहते हैं वो डायरेक्टर वो पेंटर है कि आप उसे सबसे बेस्ट वाली मोनालिसा की भी पिक्चर दे देंगे तो उसमें वो 3-4 अपने कलर ऐड करेगा। क्या केतन साहब ने मूवी में ऐसा कुछ किया है? बेसिकली एक पैशनेट लव स्टोरी है। दशरथ मां जी ने पहाड़ किस लिए तोड़ा था? मोहब्बत के लिए। ये मोहब्बत का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है दुनिया में। और इस मोहब्बत के बगैर इस फिल्म का कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो ये एक तरफ बहुत ही पैशनेट लव स्टोरी है, दूसरी तरफ ये कुछ कर गुजरने का जुनून है इसके अंदर, बीच में पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने की जिद है, नामुमकिन को मुमकिन करने का जज्बा है। अच्छा, आपकी मोहब्बत तो यहाँ भी खड़ी हुई है। इन्होंने यहाँ रास्ता बना दिया, आपने रास्ता बनाने पर फिल्म बना दिया, आपको लगता है ये भी एक बड़ा तोहफा ही हो गया दर्शकों के लिए? हम दोनों एक तरह से यही विश्वास करते हैं मां जी की तरह कि कुछ करना है तो नो अगर नो मगर ओनली डगर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अच्छा, एक और एंट्री हुई है सर, आपका नाम बताइए फिर मैं आपका परिचय करवा दूं। वरदराज स्वामी नाम है सर का, एसोसिएट हूं। अच्छा, आपने बहुत रिसर्च की, साहब ने बहुत रिसर्च की, डायलॉग्स में भी आपने बहुत मदद की है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का? आपने डायलॉग्स के जरिए एकदम धमाल कर दिया है, कुछ जबरदस्त जिंदाबाद। सर ने मुझे इतनी अथॉरिटी दी थी और सर के साथ, केतन सर के साथ काम करने का सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी आजादी दे देते हैं, जो भी करना है करो, जो चाहते हो वो करो। तो मैं जो चाहता था वो लिखता था और लिखने के बाद ला करके सर को देता। अच्छा, जो लिखा वो नवाज साहब ने अच्छे से उस पर काम किया? सही बताना, मतलब सच्ची कि मैं इतना पैशन से नहीं किया है तो, मतलब मैं चाह रहा था कि बिल्कुल दशरथ सर की खासियत ये है कि जब किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो एकदम दिल से करते हैं। थोड़ी सी चीजें इनके लिए लैंग्वेज को लेकर कटपटी थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा ही मेहनत किया, इतना ज्यादा डिटेल पूछा पूरे करेक्टराइजेशन की, मुझे लेकर के यहाँ आए, पूरे एक एक लोगों से मिला, एक एक शब्दों पे मेहनत किया। उसके बाद भी जब भी होता था कि कोई कहीं पे वो हो जाते थे, एक अच्छे कलाकार की मतलब बात कह रहा हूँ कि लोग होते हैं वो अंदर से ईगो रखते हैं, यार क्या जरूरत है पूछने के लिए, मैं खुद काबिल हूँ। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात, वरदराज जी ना ये दीवाने हैं ना, ये दीवाने हैं। अच्छा, मैंने ये क्वालिटी देखी। राधिका तो इवन मुझे गाड़ी में बैठा करके वो बोलती थी मुझे, बोलो आप बोलो कैसे बोलते हो बोलो, तो फिर मैं बोलता था, फिर मुझे थोड़ा सा बोल रहा था ये राधिका लेके कहाँ जाती है। अच्छा मुझे लगता है जब आप बात करते होंगे आप इनको भी ऑब्जर्व कर, कल मैंने देखा है आपको ऑब्जर्व करने की बहुत आदत है। इनको बाकी बहुत ऑब्जर्व किया था, एक ये थे और एक शहजाद थे, इन दोनों को तो जो टोनल क्वालिटी थी ना इनकी, जो बोलने का जो बहुत है लंबा दंगल चलेगा रेत और हमार, तो ये सब इन्हीं की देन है। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये फुगुनिया है, ये हमार मारिया है।
और आपने कोई एक्शन पकड़ा था? इन्होंने मुझे बहुत पकड़ पकड़ के सिखाया था और मैं बहुत एक्चुअली मुझे बहुत इस बात का डर था, मुझे मराठी एक्शन ने मेरी हिंदी को, और केतन सर ने कहा था कि बिहारी ही लगना चाहिए। तो काम कैसे किए हैं आप, बढ़िया किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ किया तो है, किए तो है, अब देखिए। पर इन्हीं की देन है, और इनके डायलॉग्स इतने खूबसूरत है, बढ़िया कि बहुत ही सभी डायलॉग बढ़िया। मैं सच बताऊँ तो एक एक सीन अगर आप पढ़ेंगे ना, मतलब पेपर पे पहले शुरू करने के पहले, तो आखिर में ऐसे आई जस्ट फील चोक्ड आफ्टर एवरी सीन। इट वाज रियली ब्यूटीफुली रिटन। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। के जो चेयरमैन है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, आजकल वो एक नई चीज पर काम कर रहे हैं, स्वराज। मुझे यहाँ स्वराज दिखता है। आपको सरकार ने सड़क बनाकर नहीं दी, और नवाज साहब ने एक जगह कहा भी है, वो डायलॉग पहले आप बोलिए फिर मैं अपनी बात कंप्लीट। कौन सा डायलॉग? क्या पता भगवान आप? हाँ तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। यही तो मैं इसको सरकार से थोड़ा चेंज कर देती हूँ। सरकार के भरोसे मत बैठिए, हाँ वो था ना, सरकार के भरोसे मत बैठिए, का पता सरकार हमारे भरोसे बैठा हो। अच्छा इस साल तो बैठी है सरकार। लेकिन सर मैं वही स्वराज पर आ रही हूँ। आपको लगता है नाउ दिस इज द टाइम? मैंने आपका अभी आर्टिकल पढ़ा जब फ्लाई कर रही थी। अब हमें अपने हाथों में ले लेना चाहिए। इनफ ऑफ सेइंग के इन्होंने ठीक नहीं किया, ये नहीं कर पाए, आपको लगता है? हम लोग कंटिन्यूसली बात करते हैं, हेल्प योरसेल्फ, बी द चेंज। आई थिंक दशरथ मांझी जो है वो इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। बी द चेंज, डू इट योर सेल्फ। अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो कोई मदद नहीं करेगा। सो दैट्स वाई आई थिंक वॉट दिस इज द सिंबल ऑफ अ ग्रेट चेंज दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे, तो यार है तैयार है। आप ही की जैसा लुक कुछ कुछ दशरथ मांझी का नवाज साहब आपको भी दिया था, लोग पहचान नहीं पा रहे थे, वो उनको लगा था बाबा जिंदा हो गए। जब हाँ जब हम गेटअप वेटअप करके जब यहाँ इसी रास्ते से निकलते तो सब लोग बाबा बाबा ये सब करते थे, और जब गेटअप चेंज करके आता था मैं यहाँ पे, कौन है हट। शूटिंग चली, शूटिंग में मेरी शूटिंग चली भाई। क्या लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि बस वो भी एक मॉन्यूमेंट की तरह हो गया, बस खत्म, अब एक और दशरथ पैदा होने में शायद बरसों लग जाएंगे? एक एक करके पूछते हैं। आई थिंक ये मूवी सिखाती है कि प्यार में बहुत बल है बबुआ, और प्यार का मतलब ये होता है, प्यार का मतलब अपहरण करके मर्डर करना ये सब नहीं होता, प्यार का मतलब ये होता है। ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, प्रेम में बहुत बल है बबुआ। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है, ये भीतर का काम है। मुझे लगता है कि हम सब में कहीं ना कहीं एक दशरथ मांझी छुपा है। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। और कई केसेस भी हम पे फाइल हुए इसके लिए। अच्छा। और वो सब का सारे केसेस जीतने के बाद ये फिल्म अब फाइनली रिलीज हो रही है। पहाड़ पार 4 मील पर है वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहाँ जाए के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता है, पहाड़ लांगे के चक्कर में जाने कितने ही मर जाते हैं। सवाल इनफैक्ट मेरे पापा का है, वो ये कह रहे थे, नवाज कहते ना कि मुझे किसी चीज की तलब नहीं है, मुझे कोई फिल्म नहीं बनी मिली काम की या मेरी पसंद की, तो मैं बाहर जाकर गाँव में कहीं रह लूंगा, ऐसा आप कहते हैं कि पसंद नहीं आए तो चले जाऊंगा छोड़ के। लेकिन नवाज वो आदमी है जिसको बस उंगली रखने की जगह दे दो, बाकी काम वो खुद कर लेगा। इसमें मैं क्या बोलूं, आप ही ने बोल दिया। तो सब आप ही ने बोल दिया। नहीं तो वो ये कह रहे थे कि सवाल सीधा सा ये है कि सच में ऐसा है कि आप बिल्कुल सही खौफ में आ जाना चाहिए बाकी लोगों का? नहीं, खौफ में या को बदले लेने के लिए तो आया नहीं हूँ मैं। काम करने के लिए काम एक्टर के लिए काम बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी होता है आई थिंक, और वो अगर अपने तरीके से अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है। अच्छा सीखा क्या?
सीखा यही आई थिंक जहाँ पे आज की दुनिया में सब ज्यादातर जो एक वो होता जा रहा है ना कि सेल्फ सेंटर्डनेस होती जा रही है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं लोग, तो ऐसे में दशरथ मांझी का जो किरदार है, जो लोगों को देने वाला जो है कि इंस्पायर करने वाला, और ये सीख मुझे लगता है कि आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। जब तक टूटेगा नहीं। मैं जाते जाते आपसे वो डायलॉग आप चारों से सुनना चाहूंगी, वो शानदार जिंदाबाद, हाँ कोई कोई बुलंद आवाज में, हाँ 1 2 3 4 शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। 22 साल की मेहनत को 2 घंटे में लाना कम मेहनत का काम नहीं है, इसीलिए थिएटर में जाइएगा, इस मूवी को देखिएगा। मुझे लगता है दशरथ मांझी को इससे बेहतर सलामी का तरीका नहीं हो सकता है, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील बिश के साथ रूबिका लियाकत। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा।